कहना कोई स्मार्ट सिटी अजमेर है हमारी, लेकिन आप पीछे फाईसागर रोड जो कि मुख्य रोड है, यहाँ पर तीन गांव की मुख्य रोड है, चामुंडा माता का मंदिर है, आए दिन दुर्घटना हो रही है। पिछले दो महीने पहले अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। प्रशासन के कानों में जू रेंग रही है। ना ही कोई सांसद काम कर रहा, ना कोई विधायक काम कर रहा, ना ही कोई ADA काम कर रही है। कम से कम पिछले एक महीने से 10 बार इनके ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। और ये आज भी चेतावनी है प्रशासन को कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर घर जागरूकता अभियान करके और कुछ दिनों में हर घर से एक व्यक्ति आके कलेक्टर घिराव करेगा। अगर तुरंत प्रभाव से इस रोड का निर्माण नहीं हुआ, क्या प्रशासन इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो? बच्चे आए दिन यहाँ पर, कम से कम 3-4 स्कूल है, KV स्कूल है, और बच्चे आए दिन जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म गंदी होनी, बुजुर्ग आदमी जाते हैं, बुजुर्ग आदमी आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बुजुर्गों के आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, घर में पानी घुस रहा है। राज कॉलोनी, सोनी कॉलोनी, रावत नगर, काफी घरों में पानी घुस गया है, लेकिन प्रशासन अभी तक बिल्कुल सचेत नहीं है। मानते हैं बारिश है, रोड नहीं बना पाओगे, लेकिन एक बारिश का निकास का सुविधा दे ताकि यहाँ पर आवन जावन सामान्य हो। और ये चेतावनी है प्रशासन को, अगर बहुत जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ तो कलेक्टर गिराव करेंगे और उसकी पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन है, ADA की होगी। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी ADA और प्रशासन की होगी। मैं आशीष सोनी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अजमेर शहर अध्यक्ष।